किड्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथ सेशन। वी आर डूइंग चैप्टर 1। आज से हमारा मैथ का सेशन स्टार्ट हो रहा है और हम चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये चैप्टर क्या है? रेशनल नंबर्स। और आज हम लोग इसमें क्या सीख रहे हैं? प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। सो ये क्या रेशनल नंबर्स है एंड हम क्या इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग टू लर्न टूडे। सो रेशनल नंबर पे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी बेसिक थिंग, डेट इज होल नंबर्स। व्हाट आर होल नंबर्स? नंबर्स जो हम 0, 1, 2, 3 ये जो नंबर्स होते हैं, दे आर नोन एज होल नंबर्स। और होल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। हम नेगेटिव नंबर्स नहीं लेते। नेगेटिव नंबर जब लेते हैं दे कम इन इंटीजर्स। और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 0 नहीं आता है। ये बहुत बेसिक थिंग है, लगता है हम थोड़े से कि क्या इनका फायदा, बट इन मैथ्स इन सब चीजों का फायदा होता है एंड यू शुड नो ऑल दीज बेसिक थिंग्स। नाउ सो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ, होल नंबर्स आर द नंबर्स 0, 1, 2, 3 एंड इट गोस ऑन एंड देयर इज नो फ्रैक्शनल या डेसिमल पार्ट। अब हम देख रहे हैं होल नंबर का एडिशन। हमने ऐड करा 0 + 5, क्या हो गया? आंसर आया 5। 5 क्या है? होल नंबर। हमने ऐड करा 4 + 7, इट बिकम्स 11। 11 क्या है? इट इज अ होल नंबर। तो इन जनरल हम क्या देख रहे हैं? a + b जो है, मींस एनी टू होल नंबर्स। और जो हमें आंसर मिल रहा है दैट इज अ होल नंबर। तो हम कह सकते हैं होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मींस when two whole numbers are added, definitely in answer we are going to get a whole number. Now we look for the subtraction. If I subtract two whole numbers, means hamara sum is type se 5 - 7. So when I open the bracket, mera aa jayega 5 - 7 aur mera answer kya hai? -2। और जैसा आपको बताया, माइनस साइन डजंट कम विद द होल नंबर। तो कैन वी से होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन? हम नहीं कह सकते हैं। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है? दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। Is this thing clear to you? Now, multiplication. If we multiply two whole numbers, तो क्या होगा? जीरो जैसा बताया है मैंने आपको, जीरो comes in the whole number and I multiply it with 3. Answer क्या मिलेगा? जीरो। Is जीरो a whole number? Yes. If I multiply 3 with 7, क्या आया? 21. Is 21 a whole number? Yes. So, if two whole numbers are multiplied, we get the whole number in our answer. This means whole numbers are closed under multiplication. Hai ya nahi? Closed under multiplication means when two whole numbers are multiplied with each other, हम कोई भी नंबर ले लें, हम 9 ले लें, आंसर क्या आया? 27। तो 27 is a whole number. So we can say whole numbers are closed under multiplication. Now coming to the division part. If I divide two whole numbers, तो अगर मैं 5 / 8, means 5 को हम 8 से divide कर रहे हैं, तो क्या आएगा आंसर? डेसिमल में आएगा, 50 हुआ। कितने टाइम्स जाएगा? 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48। हमारा आंसर क्या आया? 0.6। तो हम क्या, हम होल नंबर में जान रहे हैं कि देयर इज नो फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट, तो इसमें जब हम डिवाइड कर रहे हैं वी आर गेटिंग अ डेसिमल। इवन हम इसका उल्टा कर दें, 8 / 5, 8 को 5 से डिवाइड करें, 5 × 1 = 5, 6, 7, 8, 3 बचा 30, 5, 6 = 30, आंसर क्या आ रहा है? 1.6।
तो कैन वी से डिविजन कम्स मीन्स होल नंबर आर क्लोज अंडर डिविजन? नहीं, क्योंकि वेन वी डिवाइड टू होल नंबर्स ये जरूरी नहीं है एवरी टाइम वी विल गेट अ होल नंबर. समटाइम्स वी कैन गेट लाइक इफ आई डिवाइड 6 डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर इज 3, आई एम गेटिंग अ होल नंबर. लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आई कैन नॉट गेट द होल नंबर. तो आई कैन से होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिविजन. दे आर नॉट क्लोज अंडर डिविजन मीन्स वेन वी डिवाइड टू होल नंबर्स ये जरूरी नहीं है इन द आंसर वी विल गेट द होल नंबर. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वी कैन गेट द आंसर इन फ्रैक्शन और डेसिमल. तो वी कैन से होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिविजन. नाउ आई एम मूविंग टू इंटीजर्स. जैसा हमने होल नंबर का सीखा था, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन इंटीजर्स. और इंटीजर्स आप जानते हैं क्या है, आपके नॉर्मल पॉजिटिव नंबर्स, जीरो एंड ऑल्सो नेगेटिव नंबर्स विद अ माइनस साइन. तो दे कम, दीज कम इन इंटीजर पार्ट. तो इफ आई एड टू इंटीजर्स, आई एड -6 विथ 5, माई आंसर कम्स आउट टू बी -1. इज -1 अ इंटीजर? यस. इफ आई डू -7 +5, वॉट इज द आंसर? -2. कैन आई से -2 बी अ इंटीजर? यस. 8 +5 +13, इज इट अ इंटीजर? यस. सो अगर हम कहें इफ वी एड और इफ वी डू द एडिशन ऑफ इंटीजर्स, वी गेट इंटीजर इन अवर आंसर. तो इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन. Means whenever we add two integers, we get the answer in integer form. Now talking with the subtraction. If I subtract 7 -5, the answer comes out to be -2. Is -2 an integer? Yes. अब हमने उल्टा कर दिया, हमने करा 5 -7. इसका देखे 7 -5 -2 होगा आंसर. This is +2. अब हम कर रहे हैं 5 -7, अब हमारा आंसर आया -2. ठीक है, इस वे में कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं. -6 -8 आंसर क्या होगा? -14. थोड़ा डिफरेंट करते हैं, -6 -8 -6 +8 आंसर आया +2. तो जब हम इस टाइप से अपने कैलकुलेशन कर रहे हैं विद द सब्ट्रैक्शन पार्ट, तो एवरी टाइम वी आर गेटिंग द साइन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव. एंड वो जो आंसर में हम साइन पुट कर रहे हैं माइनस एंड पॉजिटिव का, दैट डिपेंड्स ऑन द इंटीजर दैट इज गिवन. तो इसका क्या मतलब हुआ, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. Means whenever we subtract two integers, we are going to get answer of integer. Looking for the multiplication. If I multiply two numbers, ठीक है, means two integers, तो क्या होगा, मेरा answer भी integer होगा. 5 × 8 क्या हुआ? 40. Now if I do -5 × 8, आंसर आएगा -40. इफ आई डू -5 × -8 तो क्या होगा? -5 × -8 आंसर होगा +40. ये प्लस क्यों आया? क्योंकि इट इज अ रूल, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस विल बिकम प्लस. तो हमें आंसर क्या मिल रहा है? इट इज एन इंटीजर. तो इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन. मीन्स every time when we multiply two integers, answer will always be a integer. Now we look with the division part. 5 / 8 हमने क्या देखा था? 0.6. इस 0.6 आ इंटीजर. तो इसमें हम जानते हैं इंटीजर्स में हमारे क्या होता है, सिंपल नंबर, जीरो एंड माइनस नंबर्स.
they are integers. We have not mentioned that decimal या fraction comes in integer. तो हम क्या कह सकते हैं, integers are not closed under division. They are not closed under division. This means when we divide two integers, we can get answer in decimal or in fractional part. Well, हमें इस टाइप से नहीं मिलेगा. तो दिस मीन्स वी कैन से इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिविजन. सो हमने क्या देख रहे हैं हम आज के जो होल नंबर्स हैं, ये जो हमारे होल नंबर्स हैं, दे आर क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. होल नंबर्स जो हैं वो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में, जब मींस व्हेन वी एड या मल्टीप्लाई होल नंबर्स, देन आंसर गेट अफेक्टेड विद दिस. हाँ, वी गेट अ होल नंबर. तो दिस वे वी कैन से होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. लेकिन हमने क्या देखा था, दे आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन. जब हमारा सब्ट्रैक्शन हो रहा है या डिविजन हो रहा है, तब हमारा होल नंबर नहीं मिल रहा है. लेकिन इंटीजर्स में क्या है, इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन बट नॉट अंडर डिविजन. दिस मीन्स व्हेन इंटीजर्स आर एडेड सब्ट्रैक्टेड या मल्टीप्लाइड, द आंसर इज ऑलवेज इन अ इंटीजर. बट When we divide, तो हमें क्या मिलता है, जब हम integers को divide करते हैं, तो when integers are divided, ठीक है, when they are divided, we get the answer in decimal. हाँ, we get the answer in decimal. और ये जो डेसिमल में मिलता है, दिस डेसिमल आर नॉट काउंटेड इन इंटीजर्स. सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन बट नॉट अंडर डिविजन. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, टुडे वी लर्न अबाउट होल नंबर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स एंड इंटीजर्स. और जैसा हमने लास्ट में देखा था, इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन बट नॉट अंडर डिविजन. बट होल नंबर्स आर क्लोज अंडर ओनली इन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, नॉट इन सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन. सो दिस वॉज द लर्निंग. आप कह रहे हैं इन सबका क्या फायदा है, बट वेन यू विल डू सम्स देन यू विल कम टू नो कि आपका कैसे आंसर पर, अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है, हाउ कैन यू एडजस्ट द नंबर्स, हाउ कैन यू शिफ्ट डाउन द नंबर्स एंड डू द कैलकुलेशन. तो जैसे जैसे एक्सरसाइज में बढ़ेंगे आगे, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ डज दीज प्रॉपर्टीज विल वर्क आउट इन योर कैलकुलेशन. इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग मोर फ्रॉम द सेम चैप्टर. टिल देन हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय.